जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको काफी अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत सारे टेक न्यूज आए हैं और मेरे सामने बहुत तेज बरसात हो रहा है, तो उसका अगर नॉइज आएगा तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत सारे न्यूज आए हैं यार, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देखो यार, कल पोको M3 Pro 5G लॉन्च हो गया था, वीडियो भी रात को बना दिया था मैं, आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करो, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है रियलमी की तरफ से, तो रियलमी ऑफिशियली कह चुका है, पोस्टर भी आ गया है, कि वो सबसे पहले एक स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा जहां पर आपको स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिलेगा। उसके बाद और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऑनर है, आईक्यू है, मोटोरोला है, ओप्पो है, रियलमी है, शाओमी है। आप देखते हैं दोस्तों रियलमी क्या तो रहा है, आप पहले लॉन्च करता है कि नहीं करता है, और कौन से स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, ये काफी इंटरेस्टिंग बात होगा। काफी अच्छा प्रोसेसर है, क्वालकॉम इसको 2 दिन पहले ही अनाउंस किया है, देखते हैं कुछ और अगर मालूम चलेगा आपको बताऊंगा मैं। तो दोस्तों देखो यार, आज से ठीक एक महीने पहले Vivo V21 और Vivo V21 E4G ये दोनों स्मार्टफोन मलेशिया में लॉन्च हो गए थे, वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिएगा। आज दोस्तों Vivo V21 E5G Geekbench पे पकड़ा गया है, यहाँ पर आपको Dimensity 700 मिलेगा, Android 11 के साथ आएगा, 8GB RAM है। आप देखते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन दिखता कैसे है, वही स्मार्टफोन रहेगा, बस उसको 5G बना के लॉन्च कर देंगे, कि यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस होंगे, देखते हैं आने वाले टाइम में मालूम चलेगा। तो दोस्तों देखो यार, करीबन मैं आपको 2-3 हफ्ते पहले ही बता दिया था, जब Oppo K9 लॉन्च हुआ था उसी वक्त कहा था मैं कि ये जो स्मार्टफोन है Realme के स्मार्टफोन में रीब्रांड होके लॉन्च होगा, प्रॉबली ये Realme V25 बन के लॉन्च होगा। अब दोस्तों देखो यार, Realme V25 या फिर दोस्तों Realme का एक नया स्मार्टफोन है जो Oppo K9 का रीब्रांड है, वो दोस्तों Geekbench पे पकड़ा गया है। अब देखते हैं दोस्तों ये कौन से स्मार्टफोन के नाम से लॉन्च होता है, मेरे को जहां तक तो मालूम चला था कि वो Realme V25 बन के आएगा, एंड वो टेना सर्टिफिकेशन को भी क्लियर किया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Qualcomm Snapdragon X65 मॉडेम RF की तरफ से, ये वर्ल्ड का पहला दोस्तों मॉडेम है जहां पर आपको 10 Gbps का स्पीड देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi Note 10 5G सीरीज की तरफ से, तो कल के टेक न्यूज में मैंने बताया था ना कि आज लॉन्च डेट अनाउंस कर दिया जाएगा, तो लॉन्च डेट मालूम चल गया है, ये मई के 26 तारीख को चाइना में लॉन्च हो जाएंगे। और एक और बात दोस्तों, इनका दोस्तों कोई कनेक्शन नहीं है इंडिया के Redmi Note 10 सीरीज से, ये बिल्कुल अलग स्मार्टफोन होंगे, देखने में भी अलग होंगे, स्पेक्स भी अलग होगा, नाम भी अलग होगा, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि इंडिया में जो Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं वही चाइना में 5G बन के लॉन्च होंगे, नहीं, वो बिल्कुल अलग दिखते हैं, पोस्टर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम अलग दिख रहा है, और नाम भी अलग होगा, Redmi Note 10 होगा, Redmi Note 10 Pro होगा और Redmi Note 10 Ultra होगा। अभी देखो यार, इसको लेकर और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Oppo Reno 6 सीरीज की तरफ से, तो दोस्तों देखो यार, आज Oppo Reno 6 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स के क्लियर ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं Oppo Reno 6 Pro Plus से, इसका दोस्तों एक प्रोमो आ चुका है, दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए, आपको वीडियो में दिखाई दे देगा अच्छे से Oppo Reno 6 Pro Plus। वैसे देखने में यार बहुत अच्छा लग रहा है, डिजाइन वाइज भी, और जो कलर्स है देखने में स्मार्टफोन को बहुत ही प्रीमियम बना देते हैं, और इसके ऑफिशियल में आपको रेंडर्स भी दिखा देता हूं, जितने कलर्स आए हैं सब दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यार कुछ भी कहो यार, Reno सीरीज के स्मार्टफोन्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो जो Reno पावर लिखता ना और भी अच्छा लगता है, लेकिन डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं किए गए, वही जो Oppo Reno 5 सीरीज के स्मार्टफोन थे उन्हें में थोड़े थोड़े चेंजेस करके वापस से लॉन्च कर दिया गया है। आप देख लीजिए आप दोस्तों Oppo Reno 6 Pro के रेंडर्स, ये ऑफिशियल रेंडर्स है, देख लीजिए आपको कैसे लग रहे हैं, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसके रेंडर्स ज्यादा अच्छे लगे। उसके बाद दोस्तों आप Oppo Reno 6 के रेंडर्स देख लीजिए, उसके भी रेंडर्स आ चुके हैं, ऑफिशियल रेंडर्स हैं, यार कलर्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, तो सब धीरे धीरे आपको मैं दिखा दे रहा हूं, और मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं ये तीनों स्मार्टफोन्स। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Apple Watch 7 सीरीज की तरफ से, इसके इमेजेस आ चुके हैं, देख लीजिए, आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे कि Apple Watch 7 सीरीज के जो स्मार्ट वॉचेस होंगे कैसे दिखाई देंगे। इस बार दोस्तों ये काफी इंप्रूवमेंट्स के साथ आने वाले हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे BP मेजर कर लेंगे, शुगर लेवल मेजर कर लेंगे, और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आएगा। अब देखते हैं कब लॉन्च होते हैं इन लोग, कुछ भी मालूम चलेगा आपको बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy M32 के तरफ से, ये ब्लूटूथ के SIG सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोगों को ये लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है। माधव सेठ सर आज ऑफिशियली ट्विटर पे टीज करना चालू कर दिए हैं, रियलमी X7 मैक्स बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। ये दोस्तों रियलमी GT नियो का रीनेम्ड वर्जन होगा और इसका प्राइस भी मालूम चल गया है। इंडिया में दोस्तों इसका प्राइस 28,999 रुपए होगा, लेकिन जो रिटेल बॉक्स है वहां पर 12+256 GB वाला जो वेरियंट है उसका प्राइस लिखा हुआ है रिटेल बॉक्स, जिसका प्राइस है 33,000 रुपए। रिटेल बॉक्स में प्राइस बहुत ज्यादा होता है। इमेजेस आ चुके हैं बॉक्स के, छोटे छोटे कट कट लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखो यार, मेरे को जहां तक लगता है इंडिया में 26,000 से 27,000 रुपए से शुरू होगा, मतलब कि जो बेस वेरिएंट होगा, एंड 12+256 जो है वो जाएगा दोस्तों 31,000 रुपए तक या फिर 30,000 रुपए तक। 30,000 रुपए के अंदर में ही लॉन्च होगा, 27,000 रुपए के आसपास, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo TWS 2 और Vivo TWS 2e की तरफ से। ये दो नए TWS Vivo ने आज लॉन्च कर दिए हैं। शुरुआत करते हैं Vivo TWS 2 से। इसका प्राइस है 5,660 रुपए और Vivo TWS 2e इसका प्राइस है 3,400 रुपए। ये इंडिया में भी लॉन्च होंगे, अब देखते हैं इंडिया में इनका क्या प्राइस होता है। वैसे दोनों TWS काफी देखने में अच्छे लग रहे हैं और काफी अच्छे स्पेक्स के साथ लॉन्च हुए हैं, एंड प्राइसिंग भी बहुत अच्छा रखा है Vivo। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy F52 5G की तरफ से। आज ये चाइना में लॉन्च हो गया है। 8+128 GB 22,700 रुपए का है। वैसे आज सुबह डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। सारे स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिस्प्ले TFT दे दिया है, इसलिए डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अच्छा नहीं है। और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो चेकआउट करिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Infinix Hot 10s के तरफ से। जैसा कि मैंने कहा था 9,999 रुपए का प्राइस होगा, वही प्राइस हुआ। थोड़ा स्पेक्स बता देता हूं आपको। 6.82 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, 90Hz रिफ्रेश रेट है, Helio G85 है, 48+2+AI ट्रिपल कैमरा सेटअप, और यहाँ पर आपको 8MP का सेल्फी मिल जाता है, 6000mAh का बैटरी, 10W का चार्जर, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड्रॉइड 11, 4+64GB 9,999 रुपए का, 664 10,999 का। बहुत ही अमेजिंग स्मार्टफोन है, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बहुत अच्छे स्पेक्स देता है। अगर आपका बजट 10,000 रुपए है तो आप इसको देख सकते हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Meizu Watch की तरफ से। ये 31 मई को लॉन्च हो जाएगा चाइना में। जैसे ही इसके बारे में कुछ और मालूम चलता है आपको बताता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus की तरफ से। तो डिजिटल टेक सेशन कहते हैं कि OnePlus बहुत ही जल्द अपने एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, जहां पर Dimensity 1200 का प्रोसेसर होगा। अब ये दोस्तों OnePlus Nord 2 होता है कि OnePlus Nord CE होता है पता नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi Book Pro की तरफ से। ये दोस्तों Redmi का अपकमिंग गेमिंग लैपटॉप होने वाला है। 26 मई को ये दोस्तों Redmi Note 10 5G सीरीज के साथ लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर आपको AMD Ryzen 5000 सीरीज का कोई प्रोसेसर देखने को मिलेगा। आप देखते हैं दोस्तों, अब ज्यादा दिन तो दूर नहीं है, सब कुछ मालूम चल ही जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus 9R के तरफ से। इसका दोस्तों एक ग्रीन कलर भी आने वाला है, पोस्टर्स आ चुके हैं। अब ये इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Qualcomm Tech Summit Event 2021 के तरफ से। ये चाइना में होने वाला है, 21 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा, जहां पर Qualcomm अपने नए प्रोसेसर्स को अनाउंस करेगा, जिसमें से Snapdragon 778GB होगा। अब देखते हैं दोस्तों कौन से नए नए प्रोसेसर्स अनाउंस होंगे, मे बी Snapdragon 888+, वो तो दोस्तों कल ही मालूम चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme Watch 2 Pro की तरफ से। आज ये मलेशिया में लॉन्च हो गया है। 1.75 इंच का कलर डिस्प्ले मिल जाता है, 100 से भी ज्यादा वॉच फेसेस मिल जाते हैं, 90 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, 14 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है, IP68 वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है। 5,300 रुपए का प्राइस है। अगला जो प्रोडक्ट है वो Realme का पोर्टेबल, मतलब कि पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर है। ये दोस्तों लॉन्च हुआ है 1,400 रुपए का। और Realme Buds Wireless 2 Neo भी लॉन्च हो गया है, कल श्रीलंका में लॉन्च हुआ था, आज मलेशिया में लॉन्च हो गया है। इसका प्राइस 1,750 रुपए है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, ये सब जून के मंथ में इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Nubia Z30 Pro 5G की तरफ से। आज ये लॉन्च हो गया है और मेरा शक सही निकला। ये दोस्तों ZTE Axon 30 Ultra का रीब्रांडेड वर्जन है, थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ लॉन्च कर दिया गया है, थोड़े से लुक्स चेंज कर दिए गए हैं बस, बाकी स्पेक्स तो सेम है। 6.67 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, Snapdragon 888 के साथ आता है, और चार्जर 200mAh का बैटरी मिल जाता है, 120W के सुपर फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, 64+64+64+8MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 16 सेल्फी, 8+128GB 56,000 रुपए का, और 12+256GB 61,000 रुपए का। और इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आज रात के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा।
फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है तो स्पेक्स तो अच्छे होंगे ही होंगे एंड प्राइस भी बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है BGMI की तरफ से, यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से। आप तो जानते हो प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी सबको जानना है कि ये कब लॉन्च होगा, डेट कब है इसका लॉन्च होने का। कोई कह रहा है 18 तारीख को, मैं कह रहा हूँ 9 तारीख को, कोई कह रहा है 10 तारीख को, सब अपना मनचाहा डेट बोल रहे हैं। लेकिन आज ऑफिशियली BGMI वाले बोले हैं कि अभी हम लोग डेट को फाइनलाइज कर रहे हैं, अभी हम लोग ऑफिशियल डेट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कुछ फाइनलाइज हो जाता है वैसे हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि ये गेम कब लॉन्च होगा, ठीक है। ये खुद ऑफिशियली उन लोग बोले हैं, ठीक है। तो अभी जो डेट है वो आ जाएगा यार, अब प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गया तो अब तो कभी भी गेम लॉन्च हो सकता है, तो इतना काई को टेंशन ले रहे हो यार। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो एक्को फ्री 2 के तरफ से। ये दोस्तों ओप्पो का अपकमिंग फ्लैगशिप TWS है, 27 मई को चाइना में लॉन्च हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, ओप्पो एक्को एयर, ओप्पो एक्को एयर प्लस, ओप्पो एक्को एयर फ्री, ओप्पो मुंह में ही नहीं बैठ रहा यार, पता नहीं ऐसा कैसे लोग नाम रख देते हैं बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi Note 10 Ultra के तरफ से। तो दोस्तों ये ना JD.com पे पकड़ा गया है। यहाँ पर आपको दोस्तों Dimensity 1100 मिलेगा, 64+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 5000mAh का बैटरी, 33W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। और सब लोग कह रहे हैं कि इसका प्राइस 20,999 रुपये होगा, यानी कि 21,000 रुपये। आप देखो यार क्या होता है वो तो दोस्तों थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा। वैसे तो दोस्तों ये स्मार्टफोन्स बहुत ही शानदार होने वाले हैं, नो डाउट। सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ आएंगे, एक पोस्टर भी आ गया है, क्योंकि हम लोग जूम करके देखते हैं कि भाई क्या कुछ तो पता चल जाए लॉन्च से पहले, तो इसी वजह से मैं थोड़ा जूम किया तो पता चला कि सेंटर पंच होल डिस्प्ले है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है डीजो के तरफ से। डीजो का नया स्मार्ट वॉच दोस्तों पकड़ा गया है, उसके लाइव इमेजेस आ चुके हैं, आप इसको पहचान लिए होंगे, ये रियलमी वॉच 2 प्रो है, डीजो के ब्रांडिंग के साथ लॉन्च होगा, ठीक है। अब देखो यार रियलमी के जितने भी अपकमिंग AIoT प्रोडक्ट्स होंगे ना वो डीजो के ब्रांडिंग के साथ लॉन्च होंगे, जैसे नार्जो बाई रियलमी, वैसे डीजो बाई रियलमी। वैसे नाम बहुत अच्छा रख रहे हैं, नार्जो, डीजो, अल्फा, बीटा, गामा, मैं भी भावनाओं में बह जा रहा हूँ। We'll be right back.